हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों, आप अगर वर्नियर कैलिपर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वर्नियर कैलिपर का वीडियो पूरा अवश्य देखिए, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये फिटर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वर्नियर कैलिपर को सीखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप ना करें और इसको एकदम पूरा ध्यान से देखें कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले अपन जानते हैं इतिहास। वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार हुआ था वो फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पेरी वर्नियर। पेरी वर्नियर नाम का एक वैज्ञानिक था फ्रांस का, उसी ने इसका आविष्कार किया था। पेरी वर्नियर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने इसका आविष्कार किया और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एक्यूरेसी कितनी होती है। तो वर्नियर कैलिपर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में किसी जॉब को मेजर कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा आप इसकी एक्यूरेसी को आप 0.02 mm में माप सकते हो तथा इंचों में 0.001 इंच में माप सकते हो। इतनी परिशुद्धता में ये जॉब को मेजर कर सकता है। ये इसकी एक्यूरेसी हो गई, इसका लिस्ट काउंट हो गया कि ये 0.02 mm मीट्रिक प्रणाली में और 0.001 इंच ब्रिटिश प्रणाली में ये किसी जॉब को इतनी परिशुद्धता में मेजर कर सकता है। ठीक है, आप पूछते हैं कि जो ये कितने कितने साइज में मिलते हैं। जो वर्नियर कैलिपर है वो बाजार में बहुत सारी साइज में मिलते हैं, जो जैसे 6 इंच में उपलब्ध रहता है, 7 इंच का भी रहता है, 1 इंच का भी रहता है, ठीक है, और 2 इंच का भी रहता है। इस तरह ये कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से उपलब्ध रहता है बाजार में। और इसके द्वारा अपन किसी जॉब की बाहरी साइज को, ये मान लीजिए किसी जॉब है, ये राउंड जॉब है, ठीक है, तो इस राउंड जॉब का अपन इसका बाहरी साइज माप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बाहरी साइज माप सकते हैं, इसका इनर साइज माप सकते हैं, इसका इनर साइज माप सकते हैं, और किसी होल की से गहराई भी माप की जा सकती है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और गहराई चारों माप इससे लिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि वर्नियर कैलिपर किस धातु का बनता है। वर्नियर कैलिपर हमेशा निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? निकल क्रोमियम स्टील का, क्रोमियम स्टील का बना होता है। किस धातु का बना है? निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है हमेशा, और हाइड्रोकार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आती है मुख्य रूप से अपन को समझना कंस्ट्रक्शन। आप इस डायग्राम में, ये आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन एक डिजाइन डायग्राम है जिसमें अपन देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में आखिर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसके भागों के बारे में अपन जानते हैं। आप जो देख रहे हो, ये जो पट्टी देख रहे हो, एक पूरी सीधी वाली, ये जो पट्टी है, पट्टी के रूप में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो पट्टी होती है, ये पट्टी इसकी कहलाती है बीम। क्या कहलाती है? बीम, बीम कहलाती है। और इसी बीम के ऊपर ही, ठीक है, एक स्केल बनी होती है जिसे मैन स्केल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बनी, इस पे ये मैन स्केल बनी हुई है, ये इसकी मैन स्केल बनी बनाई जाती है। ठीक है, और इस पट्टी के साथ ही, इस बीम के साथ ही दो जा बने होते हैं ऊपर नीचे। एक ऊपर जा बना होता है जो फिक्स होता है इसी के साथ, और इससे बोलते हैं फिक्स इनर जा, जो अंदरूनी माप लेने के काम आते हैं, और एक इसी के साथ एक फिक्स आउटर जा होते हैं जो किसी जॉब का बाहरी साइज मापने के काम आता है। यानी इसी पट्टी के साथ ये चीज जुड़ी थी। अब इसके ऊपर एक मूवेबल हेड होता है पूरा का पूरा। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा हिस्सा, ये मूवेबल हेड होता है। तो ये मूवेबल हेड क्या होता है? ये इसके बीम पे स्लाइड करता रहता है, इसके ऊपर स्लाइड करता है। ये वाला हिस्सा पूरा जो रेड कलर में मैंने बनाया अलग से, ये देख रहे हो, ये पूरा इसके ऊपर मूव करता रहता है। तो ये मूव करने से क्या होगा, आप जॉब के साइज के अनुसार इसको कितना भी खोल सकते हैं। इसके साथ भी क्या होते हैं, एक तो जो मूवेबल आउटर जा बना था जिससे इसमें फिक्स आउटर जाता है, इसी तरह इसमें मूवेबल आउटर जा रहता है, और इसी तरह इसमें मूवेबल इनर जा होता है। इसके साथ फिक्स में जो देखा था वो इनर जा, तो ये दोनों क्या होते हैं, ऊपर वाले अंदरूनी माप लेने काम आते हैं और नीचे वाले किसी जॉब का बाहरी साइज मापने काम आते हैं। ठीक है, इसमें ये फिक्स वाले और ये इसमें मूवेबल यानी
स्लाइड करने वाले हैं, इसके साथ इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, चलते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसको हम मूवेबल हेड बोला है, ठीक है। तो ये इसका मूवेबल आउटर जा, ये मूवेबल इनर जा हो गया। इसी के साथ क्या होता है, इसी मूवेबल जा के साथ हेड के साथ एक स्केल बनाई जाती है इसके ऊपर, जिसको कौन सी स्केल बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ऊपर नीचे दोनों साइड में स्केल बनाई जाती है, एक ये बनी एक ये बनी, ठीक है, एक ये और ये जो होती है ये कौन सी स्केल होती है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। और जो स्क्वायर पट्टी में बनी थी वो कौन सी थी, मैन स्केल बनी थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जो वर्नियर स्केल होती है और क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो नीचे का जो मान दिया रहता है, नीचे वाला इस पट्टी की दो स्केल बनी, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्केल बनी है, इसमें जो नीचे की जो स्केल बनी है वो होती है हमेशा मेट्रिक प्रणाली, यानी ये एमएम और सेंटीमीटर में मापता है, और जो ऊपर वाली जो प्रणाली होती है वो इंचों में मेजर करता है, ब्रिटिश प्रणाली का काम करता है, ठीक है। तो इस पट्टी एक साथ अपन इंच और मेट्रिक दोनों प्रणाली में एक साथ इससे मेजर ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना इसमें। अब क्या होता है, जब इसमें फिर इसके साथ एक जो ग्रीन कलर का मैंने एक साथ और बनाया इसका पार्ट, ये कहता है आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू क्या होते हैं, जब आप इसके बीच में किसी जॉब का मेजर करते हो, इसमें किस बीच में जॉब को लगा दिया, इस जॉब को मेजर, अब आपने इसको मेजर कर लिया, आपने अंगूठे से इसको प्रेस लेके इसको चिपका दिया स्लाइड करके, परंतु क्या होता है, चिपकाने के बाद में ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को धीरे धीरे घुमाकर आराम से इसके साथ सेट कर लेंगे और फिर इसकी रीडिंग पढ़ने काम आता है, यानी ये एक तरह से फाइन मेजरिंग करने के, एकदम शुद्धता में मेजरिंग करने के लिए ही इस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का यूज किया जाता है हमेशा, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है, इसमें एक पीछे एक पट्टी स्लाइड करती है जो हमेशा इस मूवेबल हेड के साथ जुड़ी होती है पट्टी, और इसके पीछे इस बीम के पीछे एक बीच में एक ग्रूव बना होता है, ऐसे लंबा पट्टी का ग्रूव बना होता है, इसी ग्रूव में ये वाली जो बार है जिसको डेप्थ बार बोला जाता है, इस डेप्थ बार स्लाइड करती है, और इसके द्वारा किसी जॉब की गहराई का मेजर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कि डेप्थ बार का यूज क्या होता है, डेप्थ बार का वर्नियर कैलिपर में हमेशा किसी जॉब की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है, और साथ ही क्या होता है, इसमें एक यहाँ पे कटा रहता है, कटा भाग रहता है, ये कटा भाग इसलिए रहता है क्योंकि जब अपन किसी होल में इसको मेजर करते हैं, अगर ये पूरा बराबर होल अगर नहीं हुआ तो वो जॉब से टकराएगा और प्रॉपर मेजर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, किसी स्लाइड में किसी कोने में जाके ये नुकीला भाग फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद अपन इसकी मेजरिंग कर लेंगे। और इसके साथ ही क्या करेंगे, जब अपन इसमें मेजर करते हैं जॉब का, तो इसके ऊपर एक क्या होता है, लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, ये लॉकिंग जो स्क्रू देख रहे हो आप, ये वाला ये सब लॉकिंग स्क्रू है, जब आप मेजर के जॉब को मेजर करते हो तब जॉब को मेजर किया और इसके द्वारा लॉक किया और फिर आपने उसको आराम से पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये था अपना आज वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन, एक छोटी सी जानकारी, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर आपकी कोई और जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी लिख के पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट कैसे पढ़ते हैं और इसकी स्केल को कैसे पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर हमारा टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं आगे वाला वीडियो और अच्छे से आपको बता सकूँ। धन्यवाद।